बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर ट्यूटर फ्रॉम काजीग्रामा गर्ल्स हाई स्कूल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे इज द चैप्टर्स इंट्रोडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, व्हिच इज ऑन पेज नंबर 114 टिल पेज नंबर 116 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर्स इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। It is a branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reactions. In the complete chapter, we will discuss about different types of chemical reactions that produce electricity and many of the chemical reactions that are driven by using electricity. So this chapter is basically related with the point electricity and the chemical reactions, and it will involve the basic concept of oxidation and reduction reactions. Together we call this redox reactions. That these types of reactions, the oxidation and reduction reactions, they can take place spontaneously, also they can take place non spontaneously. Now what does it mean by spontaneous reactions? They take place on their own without any external agent. Let's take a common example. If you are going to throw a big ball from the top of a hill, after pushing the ball will continuously move downward without any aid. This is a spontaneous reaction. अगर आप किसी भी बॉल को एक टॉप ऑफ हिल से रोल करते हैं तो वो कंटिन्यूसली रोल करती जाएगी, आपने सिर्फ उसको इनिशिएट किया, उसके बाद ये रिएक्शन कंटिन्यूसली खुद ब खुद जो ये बॉल है ये हिल से डाउनवर्ड मूव करती रही। सो दिस रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन देयर ओन, जिसको बाहर कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, वी कॉल दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और स्पॉन्टेनियस मेथड्स। जबकि अगर आप इसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ वापस हिल के टॉप पर लेके जाने की कोशिश करेंगे, यू विल रिक्वायर एनर्जी एंड यू विल रिक्वायर द एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस। जब तक आप उसको टॉप तक नहीं पहुंचाते, आपको कंटिन्यूसली उसको पुश करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस, दीज टाइप ऑफ मेथड्स, दीज टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट, वी कॉल दिस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल ऐसे ही काफी सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें आप जस्ट रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं एंड यू गेट अ प्रोडक्ट। दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। On the other hand, non-spontaneous reactions, they require some external agent completely throughout their procedure. कि उनको पूरे के पूरे प्रोसीजर के दौरान कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है, so as they can the reaction can take place. हमारे पास different types of redox reactions में कुछ spontaneous reaction होते हैं, because of the spontaneous reaction we get electricity. यानी कि कुछ इस किस्म के केमिकल रिएक्शंस होंगे जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर हैंड वी विल यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव, टू स्टार्ट और टू कंप्लीट अ केमिकल रिएक्शन, दैट टाइप विल बी इंक्लूडेड इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। यानी कि इस वक्त हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस हैं। वन रिएक्शन जो कि कोई भी केमिकल्स आपस में जब हम मिक्स करेंगे और आपस में उनके केमिकल रिएक्शन होने के बाद इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। These types of reactions are spontaneous chemical reactions, and we call these types of cells to be galvanic cells. यानी कि ऐसे cells जिसके अंदर chemical reaction होने पर हमें electricity मिलेगी, electricity produce होगी, we call that galvanic cell. On the other hand, the reverse will be for electrolytic cell or non-spontaneous reactions. ऐसे reactions जिसमें आप electricity की मदद से कोई ना कोई chemical reaction perform करेंगे, and that will be called non-spontaneous chemical reaction or electrolytic cell. So let's discuss in detail about oxidation and reduction reactions. That is the basis of this chapter. We are going to define oxidation and reduction on the basis of different categories. The first one is on the basis of addition or removal of oxygen and hydrogen. हमारे पास ऑक्सीडेशन के इस वक्त तीन अलग अलग डेफिनेशन हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी में ऑक्सीजन की एडिशन और रिमूवल, किसी में हाइड्रोजन की एडिशन और रिमूवल, और किसी में इलेक्ट्रॉन की एडिशन और रिमूवल, हम उस बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफरेंशियली डिवाइड करेंगे।
So on the basis of oxygen and hydrogen, oxidation can be defined as addition of oxygen and removal of hydrogen during a chemical reaction. The reverse will go for reduction, that is the addition of hydrogen or removal of oxygen during a chemical reaction. This is known as reduction reaction. तो यहाँ से अब आपको ये भी पता चल रहा है that wherever there is oxidation, there is always reduction. Let's take an example for this. For example, you have zinc oxide reacting with carbon. On this reaction, after the product is formed, you can see this oxygen from zinc has gone to the carbon. Here, carbon dioxide has formed. So addition of oxygen means oxidation. So here is the, क्योंकि carbon ने oxygen को अपने अंदर add किया है, so carbon is oxidizing, carbon is showing the procedure of oxidation. On the other hand, removal of oxygen is called reduction. क्योंकि यहाँ से zinc oxide ने अपना oxygen remove कर दिया है और अब सादा zinc में change हो गया है, so this is reduction. Zinc is being reduced. Similarly, if we take the example of another example of addition and removal of hydrogen. So here you can see between hydrogen sulfide and chlorine. In this reaction, you can clearly see after the product has formed, the sulfur has moved out and hydrogen has moved to the chlorine. Hydrogen sulfur H2S में से hydrogen निकल गया. Removal of hydrogen is oxidation. So similarly, यहाँ से चूंकि hydrogen निकला, so hydrogen sulfide is being oxidized. Hydrogen sulfide after oxidation has changed into sulfur. On the other hand, we have chlorine, जिसमें hydrogen add हुआ and it has changed into HCl. So this is addition of hydrogen is called reduction. So this means H2S chlorine is being reduced. H2S से हाइड्रोजन लेने के बाद क्लोरीन रिड्यूस हुआ, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ऐड किया एंड नाउ क्लोरीन इज HCl. तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली एक साथ ही हो रहे हैं. सो अ केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर बोथ इन्वॉल्व, वी कॉल दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. So if we talk about the summary of these two definitions we have discussed earlier, we can say addition of oxygen in any element, in any compound, we call that oxidation, and removal of oxygen from any element, any compound is called reduction. So addition of oxygen is oxidation, removal of oxygen is reduction. Similarly, if we talk about hydrogen, removal of hydrogen is called oxidation, and the reverse of this is addition of hydrogen in any element or compound is called as reduction. We have discussed the example of these two in our previous slides. Let's move toward the third type of oxidation reduction definition, which is on the basis of gain and loss of electrons. So on the basis of gain or loss of electrons, oxidation can be defined as it is the loss of electron by an atom or an ion. कि अगर कोई आयन या एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, we call that oxidation. जबकि इसके रिवर्स में the addition of electrons in any atom or ion, we call that reduction. यानी के addition की ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट में हमें एक पॉजिटिव स्पीशी गेन होगी. ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ रिडक्शन, वी विल गेट अ न्यूट्रल एटम और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस केस में अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साइमल्टेनियसली इन वन रिएक्शन, सच एज इन केस ऑफ NaCl. आपने NaCl का आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर चैप्टर नंबर 4, आयनिक बॉन्ड. In that, you studied about the losing of one electron from sodium's last shell and addition of that one electron in chlorine's last shell. So the addition of electron in chlorine last shell is called reduction, while the removal of one electron from sodium's last shell is called oxidation. Now we have three definitions of oxidation and reduction. One is on the basis of oxygen, one is on the basis of hydrogen, and the third one is on the basis of electrons.
ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन विल बी एडेड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस मीन्स ऑक्सीडेशन. वाइल इन केस ऑफ रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन. So for today we have studied about the chapters introduction and about the oxidation reduction reaction, which are collectively called as redox reaction. This is a redox reaction, as oxidation and reduction are taking place simultaneously. So this is it for today. Thank you and Allah Hafiz.